हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बना रही हूँ बिहार का सबसे फेमस ठेकुआ रेसिपी, जो कि हम आटा से बनाएंगे। मैदा यहाँ पे यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ले लेते हैं एक बाउल गेहूं का आटा। आपको अगर मैदे का बनाना है तो आप आटे की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम ले लेंगे 4 से 5 चम्मच रवा यानी महीन वाली सूजी। इसमें हम डाल देते हैं 8 से 10 चम्मच, यहाँ पे हमने नारियल को घर पे ही कद्दूकस किया है। आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं जो रेडीमेड मिलता है। यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। यहाँ पे इसमें हम डाल देते हैं चीनी। तो चीनी हमें अपने हिसाब से इसमें डालना है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप उस हिसाब से डालें। यहाँ पर मैंने अभी 1/2 कप डाला है। अब इसमें हम इसको मिक्स कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे घी या तेल, आपको जो भी पसंद हो। अब इसमें ऐड करेंगे मोइन के लिए, ताकि ये थोड़ा खस्ता बने। तो इसे हम सबसे पहले मिला लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है 5 से 6 चम्मच, और इसे हम हाथों से ही मिक्स करेंगे, क्योंकि ये स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है, और इसे हमें आटे की तरह गूंथना नहीं है। बस जो आटा है ड्राई आटा, उसे हमें सॉफ्ट कर लेना है। और जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हमें हल्का फुल्का पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें जो चीनी हमने डाला है वो भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। जब हम इसमें पानी डालेंगे तो वो भी चीनी सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पे इसे हमने मिक्स कर लिया है। पानी यहाँ पे हम डालते हैं 4 से 5 चम्मच पहले पानी डालेंगे, और यहाँ पे मिक्स करेंगे इसे। और आप देख सकते हैं कि मैं आटे को इस तरह से हाथों से बस हल्का हल्का मैश कर रही हूँ, इसे हमें गूंथना नहीं है। तो अब हमें पानी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से सॉफ्ट और अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे ठेकुए के जो आटा है वो मैंने बना के रेडी कर लिया है। यहाँ पे एक मैं छोटा सा लोई बनाकर आपको दिखाऊंगी लड्डू के शेप का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे से बंध जा रहा है। तो इसे हम साइड कर देते हैं 5 से 7 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से जो चीनी है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आटे का कलर है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे ठेकुआ बनाने का शुरू करते हैं। तो छोटी छोटी लोई हमें लेनी है पेड़ के शेप का। और यहाँ पे हमें रफली एक तरह से गोल करके इस तरह से हम चपटा कर लेंगे और इसे दबा देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना पतला मैंने ठेकुआ को रखा है। इसके बाद आप डिज़ाइन दे सकते हैं किसी भी चीज़ से। यहाँ पे मैंने चम्मच से मछली वाला शेप इस पे दिया डिज़ाइन। आप चाहे तो नॉर्मल बिस्किट के शेप का भी इसे बना सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा शेप देना है ठेकुए का। तो इसी तरह से मैं सब बना लेती हूँ। आप इस ठेकुआ को बनाकर कम से कम 1 से 1.5 महीने के लिए घर में रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में आप इसे रखिएगा। और अभी तो आने वाली है होली, तो आप इस चीज़ को बनाकर ज़रूर अपने घर पे रखिए। तो यहाँ
पे आप देख सकते हैं कि दो ठेकुआ मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर लिया है। अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना ठेकुआ को दूसरा शेप दिया जाए। बिस्किट वाला शेप मैं यहाँ पे दे रही हूँ, तो इस तरह से मैंने आधे दो को ले लिया है। और इसे हम पहले तो एक अच्छा सा शेप देंगे, उसके बाद हम बिस्किट के शेप में इसे कट करेंगे। वैसे भी आप बना सकते हैं और एक अच्छा डिज़ाइन हो जाएगा, एक अच्छा शेप आ जाएगा बिस्किट का। तो इस तरह से आप बनाइएगा ज़रूर अपने घर पे, आपको जैसे भी इजी लगे। मैंने ये दो तरीका आपको बताया है इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने हाथ पे इसे रख के अभी दिखाया है कि इस तरह से हम पहला वाला भाग जो है उसे हम साइड कर देंगे और इस तरह से चाकू से कट करेंगे। बाद में इसे हम हल्का सा सही कर देंगे। इस तरह से चारों तरफ से हम इसे अच्छे से एक शेप दे देंगे और यहाँ पे एक बिस्किट का शेप का बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए फटाफट हम इसे रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे ठेकुआ मैंने बना के रेडी कर लिया। गैस पे हम रख देते हैं कढ़ाई और कढ़ाई में हम डाल देंगे तेल। तेल जब तक गर्म होता है उसके बाद इसमें हम तलेंगे इस ठेकुए को, और लो फ्लेम पे हमें ठेकुआ को पकाना है। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, तो बारी बारी से इसमें हम ठेकुआ को डाल देते हैं। गैस को मैंने रखा अभी लो फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम ठेकुआ को तलेंगे। तो इस तरह से सभी को हम साइड बाई साइड डाल देते हैं। और इसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि गरम तेल में आप डायरेक्ट हाथ को नहीं डाल दीजिएगा, छींटे ना पड़ जाए आपके हाथ पे। इसलिए जब तेल हमारा नॉर्मल गरम हो तभी हम ठेकुआ को डालेंगे। अब आप इसमें देख सकते हैं कि हल्के हल्के बुलबुले आने स्टार्ट हो गए हैं, यानी हमारा जो तेल है वो गर्म होना मतलब अच्छे से स्टार्ट हो रहा है। एक मिनट तक इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद इसे हमें पलटना होगा। आप देख सकते हैं कि ठेकुआ जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आया है, और इसे हम टाइम टू टाइम पलटेंगे दोनों साइड, नहीं तो अगर हम एक साइड छोड़ेंगे ठेकुआ को तो वो जल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कलर आया है इसका, गोल्डन ब्राउन कलर। और ठेकुआ यहाँ पे पक चुका है, फ्राई हो चुका है अच्छे से। तो इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं, ये थोड़ा सा ठंडा होगा उसके बाद ठेकुआ क्रिस्पी होगा, अभी ये सॉफ्ट होगा। तो इसी तरह से जितने भी ठेकुआ हमने बना के रेडी किए हैं उन सभी को हम फ्राई कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी ठेकुआ है हमने यहाँ पे फ्राई करके यानी तल के रख लिया है। इस पे इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि चीनी के दाने भी दिख रहे हैं और ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है, यानी हल्का ठंडा भी हो गया है। और ठंडा होने के बाद ही आप ठेकुआ को खाएं तो वो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।